बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। टुडे वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। द ऑब्जेक्टिव पोर्शन कैरीज 20 मार्क्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर इज़ दैट यू हैव टू राइट योर रोल नंबर first of all in the space provided for this purpose। ठीक है बच्चों, आपका मैंने स्टार्ट में आपको पेपर पैटर्न बताया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो डिस्कस नहीं किया था, इस वजह से कि आप में से बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो अभी तक एक तो ऑनलाइन नहीं आई थी, सेकेंडली उनके बुक्स का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा डिले कर दिया। क्योंकि ये जो 20 मार्क्स हैं बच्चों, ये आप पूरे मैथ्स की तरह नंबर इसमें ले सकते हैं, तो ये दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, दैट्स व्हाई आई डिले इट। ओके, तो अब मैं आपको थोड़े से रूल्स बताऊंगी बच्चों। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जब आपके सामने आता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये करनी होती है कि जहाँ जगह बनी हुई होती है ऊपर, वहाँ आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है, जो स्पेस प्रोवाइडेड की जाती है इस पर्पज़ के लिए, वहाँ पे। उसके अलावा कहीं आपने कुछ नहीं लिखना रोल नंबर को, उसके अलावा पेपर के किसी हिस्से पे आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव के नहीं लिखना, ठीक है। सेकेंडली, यू हैव टू अटेम्प्ट योर आंसर ऑन द वेरी शीट दैट हैज़ बीन गिवन टू यू फॉर दैट पर्पज़। दूसरा रूल जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में है बेटा, वो ये है कि आपने अपने जो आंसर्स हैं, जो भी आपसे पूछे जा रहा है उसके अंदर, वो आपने उसी शीट के ऊपर ही लिखना है जो कि इस मकसद के लिए आपको उसी वक्त दी गई होगी, ठीक है। 20 मार्क्स हैं टोटल आपके ये, और इसका टाइम जो है वो 30 मिनट्स आपका इसके अंदर जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का आपने टाइम ड्यूरेशन का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और जो है वो आपने अपने पेपर अटेम्प्ट करने के स्टाइल पर भी आपने बहुत ध्यान देना है, ठीक है जी। थर्डली, एनी कटिंग, ओवर राइटिंग, यूजिंग अ लेड पेंसिल, रबर और इंक रिमूवर विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। ये आप अपने जहन में रखें बच्चों कि किसी भी किस्म की कटिंग, ठीक है, आपने लिख लिया सेरीने का, नहीं जी ए नहीं था बी था, आपने उसको खूब गडोड़ियाँ मडोड़ियाँ मारी और उसको काट पीट के आपने दूसरा कर दिया, ओवरराइटिंग, किसी भी किस्म की लेड पेंसिल का इस्तेमाल जो आपकी आम पेंसिल्स होती हैं, रबर का इस्तेमाल, इंक रिमूवर का इस्तेमाल, वो आपके नंबर काटने का सबब बनेगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको एट द वेरी फर्स्ट स्टेज आपको जो मैं वार्न कर रही हूँ बच्चों कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। सो बी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग योर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, एंड इफ यू विल फॉलो ऑल ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस अलॉन्ग विद परफेक्ट प्रेपरेशन ऑफ योर सिलेबस, यू कैन गेट 20 out of 20 marks लाइक योर मैथमेटिक्स पेपर इफ़ यू नो इट ऑल्सो। कि अगर आपकी तैयारी बड़ी अच्छी है और आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान किया जो मैंने आपको बताया है, तो आपके पूरे 20 out of 20 marks जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी स्टार्ट डिस्कसिंग आर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ठीक। ये आपके पास जो भी ग्रामर की बुक्स हैं बच्चों, उनमें भी आपको सैम्पल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिए गए हुए हैं, और उसके अलावा पास पेपर्स भी आपको जब भी अवेलेबल हो मार्केट से। अभी आजकल तो जारी बात है कोई स्पेशल कंडीशंस चल रही हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ तफसील से बता रही हूँ, और मैंने इसको बकायदा लिख के नंबर्स डिवीजन वगैरह सब आपके सामने जो है वो दे रही हूँ, ताकि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई किताब नहीं मिली है अभी तक, तो आप परेशान ना हो, आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें, ठीक है। अच्छा, अभी ऑब्जेक्टिव भी बच्चों आपका आपकी बुक में से, टेक्स्ट बुक में से जो कुछ पोर्शन बन लिए गए हैं, मैं वो आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी, तो उसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, टाइम मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, और इसके ऊपर ऊपर ही ऑब्जेक्टिव पोर्शन लिखा हुआ होता है, मार्क्स आपके 20 होते हैं टोटल इसके, ठीक है।
तो उसमें क्वेश्चन नंबर वन जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर में ही आ जाएगा, उसके पोर्शंस बना देते हैं ये ए बी सी डी ई, ठीक है, ये फाइव पोर्शंस इसके बन गए आपके क्वेश्चन नंबर वन के। तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो फिर आपका शुरू हो जाएगा अलग से, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्वेश्चन नंबर वन जो है बच्चों, उसमें ए पार्ट में आ जाता है आपके टिक ऑफ द राइट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम बुक टू मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज पार्ट वन, ठीक है, जो आजकल आप पढ़ रहे हैं, जिनके मैंने सिक्स चैप्टर्स आपको जो पढ़ा दिए हैं बच्चों, ये पार्ट वन है आपका। ये टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं आपकी इसी बुक में, फर्स्ट 10 चैप्टर्स जो कि पार्ट वन में आते हैं, ठीक है। और उसमें से आपको ये आपको कुछ दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपने जस्ट टिक का निशान लगाना है। चार ऑप्शंस आपको दी गई होंगी, ठीक है, उनमें से बहुत सोच समझ के जो आपको सेम लगती है, मिलती जुलती लगती है, ठीक है, तो वो आपने जो है बच्चों इसके अंदर लिख देनी है, ठीक है। लिख देनी है का मतलब ये कि टिक कर देना है आपने ना, अंडरलाइन वर्ड होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला आपको जो इसमें दिया हुआ है वो है सच नर्वस हैबिट्स कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाय एनीवन बट द बॉय हिमसेल्फ। ये आपका बिल्कुल पहला चैप्टर है, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, उससे ली गई है। और इसमें बच्चों जो इरेडिकेटेड है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको चार ऑप्शंस दी हुई हैं, इससे मिलती जुलती सिनोनिम्स हैं ये, सिमिलर वर्ड्स, ठीक है। तो वो आपने पहली ऑप्शन है आपकी जी गॉट रिड ऑफ, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपकी कैंसल्ड, सी ऑप्शन आपको दी हुई है चेक्ड, और डी ऑप्शन आपको दी हुई है रिमूव्ड, ठीक है। तो आपको अब मतलब आना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, सही सही एग्जैक्ट आपने मीनिंग्स याद किए हुए होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, तो उसके लिए आप गॉट रिड ऑफ को टिक कर देंगे पहला जो है, ठीक, जस्ट टिक करना है आपने, और कोई उसके ऊपर जो है ना आपने मज़ीद इजाफे नहीं करने, और बहुत सफाई के साथ टिक करेंगी आप ताकि वो अब पढ़ा जा सके वाज़े तौर पर, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपको सेकंड दिया गया है, ये भी आपकी बुक में से भी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, शायद आपको समझ में ना आए, वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर वॉज एवर्टेड, ये आपका चैप्टर था हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो भी आप पढ़ेंगे आगे आने में। तो डिज़ास्टर को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसके लिए भी चार ऑप्शंस दी हुई हैं, अर्थक्वेक, ग्रेट चेंज डैमेज, डिस्ट्रक्टिव फूड और अटैक ऑफ नेचर। तो इसमें डिज़ास्टर जो है बच्चों, उसमें आप डी पार्ट को आप टिक करोगे, अटैक ऑफ नेचर। तीसरा पोर्शन है आपका द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स थ्राइव्ड इन मुस्लिम स्पेन, और ये चैप्टर आपका द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें थ्राइव जो है इसको अंडरलाइन किया हुआ है, और चार ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, जो है ग्रू क्विकली, बिकेम प्रॉफिटेबल, प्रोग्रेस्ड और एक्सपेंडेड। तो थ्राइव्ड के जो सिनोनिम है, ये मिलता जुलता वर्ड है, इसका मतलब वो है जी प्रोग्रेस्ड करना, ठीक है। तो आप सी पार्ट को इसके जो है वो टिक कर देंगे। ये आपका तीन नंबर का, तीन ही आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव दिए गए थे आपके पार्ट फर्स्ट में से, आपकी बुक में थे जो आजकल आप पढ़ रहे हो, जिसके सिक्स चैप्टर्स आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। उसमें से ये आपको पहला बिल्कुल क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट जो है वो दिया जाएगा। आपने जस्ट इसको जो सिमिलर वर्ड्स आपको लगते हैं आपने उनको टिक कर देना है, ठीक है। एंड सेम इज द बी पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव पेपर, लेकिन ये जो बी पार्ट है बच्चों, ये आपका आपकी बुक का जो दूसरा पोर्शन है जो पर्सनालिटीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है, पार्ट टू कहेंगे उसे आप इसी बुक का, जो पांच चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे अभी। तो उसमें से लिया गया है, और पैटर्न इज सेम लाइक द ए पार्ट ऑफ योर पेपर, ठीक है। इसमें भी आपको इसी तरह से अंडरलाइन करके वर्ड्स दिए जाएंगे, और साथ में आपको चार ऑप्शंस दी जाएंगी सिमिलर वर्ड्स की, वही आपने जो है वो टिक करना है देख के पढ़ने के बाद कि इसमें से कौन सी वाली ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स में नंबर फोर्थ से शुरू होगा, क्योंकि तीन आपके पहले आ चुके हैं पहले वाले पोर्शन में, यहाँ नंबर फोर्थ स्टार्ट होगा, आई हैव टू बी वेरी विजिलेंट देयर,
अब इसमें ऑप्शंस आपको चार विजिलेंट की अंडरलाइन किया हुआ है और चार ऑप्शंस दी हुई हैं, क्लेवर, केयरफुल एंड वॉचफुल, इंटेलिजेंट एंड वेरी एक्टिव। ठीक है, तो विजिलेंट के मिलता जुलता लफ्ज आपको मिलेगा बच्चों केयरफुल एंड वॉचफुल। ठीक है, बी जो इसका पोर्शन होगा उसको आप टिक कर देंगे ऊपर बस सिर्फ। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें नंबर 5 पे दिया हुआ है बच्चों थेरेपी मींस। ठीक है, अभी हमें दिया हुआ है नेचुरल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट थ्रू प्रेयर्स और मैजिकल ट्रीटमेंट। तो ये आपने मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो थेरेपी को मोस्ट सुटेबल वर्ड है, अप्रोप्रिएट वर्ड है, उसको आपने टिक कर देना है। फिर नंबर 4 है आपका दिस कास्ट कॉन्स्टर्नेशन अमंग देम, कॉन्स्टर्नेशन अमंग देम, कॉन्स्टर्नेशन को अंडरलाइन कर दिया गया है और साथ में नीचे आपको चार ऑप्शंस दी गई हैं ए बी सी एंड डी। ए है बच्चों शॉक और वरी, बी है जी सैडनेस, सी है सरप्राइज और डी है पेन एंड ट्रबल। तो कॉन्स्टर्नेशन का जो सिनोनिम है, मिलता जुलता वर्ड है, वो है शॉक और वरी। तो आप उसको टिक करेंगी आप उसे। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड तो कॉन्स्टर्नेशन है, उसको आपने उससे मिलता जुलता वर्ड जो उसको आपने टिक करना है, तो वो आपने ए जो पोर्शन है शॉक और वरी उसको आप टिक कर देंगी और ये भी आपका 3 मार्क्स का पोर्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट में आपका आ जाएगा टिक ऑफ द राइट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब जैसे कि आपको शुरू में बता दिया गया था बच्चों, आपकी 2 बुक्स आपने सेकेंड ईयर में पढ़नी है टेक्स्ट बुक्स, जिसमें एक आप जो स्टार्ट कर चुके हो वो है, दूसरी आपका नॉवेल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह जल्द ही शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए फ़िलहाल रुकी हुई हूँ कि आपको अभी फ़िलहाल अपनी एक बुक ही नहीं मिल रही है, तो दूसरी बुक के लिए आप कोशिश शुरू कर दें जब भी मिले आपको। ठीक है, तो ये तीसरा पोर्शन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उसमें से लिया जाएगा गुड बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है, और पैटर्न बिल्कुल सेम है पहले 2 पोर्शंस की तरह। इसमें भी आपको जो है वो अंडरलाइन वर्ड्स दिए जाएंगे आपको और उनको आपने सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये आपका 4 मार्क्स का जो है वो पोर्शन होगा, पहले 2 3 3 नंबर के थे, ये 4 नंबर का होगा। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो आपका 7 से स्टार्ट हो रहा है ये वेदरबाय वॉज हिमसेल्फ वेरी फादरली एंड कर्टियस। वेदरबाय एक किरदार है बच्चों इस नॉवेल में। ठीक है, तो उनके बारे में कहा, जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इस पर तो आपको यकीनन आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा ये। तो वेदरबाय वॉज हिमसेल्फ वेरी फादरली एंड कर्टियस, कर्टियस को अंडरलाइन किया हुआ है और एक्सक्यूज मी इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वेल मैनर्ड, काइंड, लविंग एंड लाइकेबल। तो कर्टियस का बच्चों बेहतरीन जो सूटेबल वर्ड है वो वेल मैनर्ड है। ठीक है, इसी तरह से इसमें बाकी 3 आपको और दिए गए हैं, ये 4 नंबर का है आपका। ठीक है बच्चों, एक्सक्यूज मी डी पार्ट, ये बच्चों आपका है प्रपोजिशंस के साथ। ठीक है, आपने इसमें प्रपोजिशंस करनी है। प्रपोजिशंस क्या होती हैं बच्चों, आपने नाम तो सुना हुआ होगा इसका। तो प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड। फॉर एग्जांपल शी इज इन द रूम, इन जो है बच्चों इसमें प्रपोजिशन है, जिसमें आपको जो प्रोनाउन यूज हुआ है इसके अंदर शी, उसकी पोजीशन बताई जा रही है कि वो कमरे के अंदर है। ठीक है, पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, अब किताबें आपकी अलग चीज़ हैं, टेबल अलग चीज़ है, इनमें रिलेशन किस चीज़ ने बनाया है, ऑन ने, जिससे हमें पता चल रहा है कि आपकी किताबें जो हैं वो मेज के ऊपर रखी हुई हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला इसमें प्रपोजिशन है ही इज़ ब्लाइंड डैश हिज ओन इंटरेस्ट। ठीक है, ब्लाइंड के बाद डैश है, अब आपको प्रपोजिशंस बच्चों ये याद करनी पड़ेंगी कुछ, उसी की वजह से आप ये सवाल 5 नंबर का अटेम्प्ट कर सकते हो।
तो ब्लाइंड के साथ हमेशा ऑफ आता है। इन्होंने चार ऑप्शन दी हुई हैं, अबाउट, ऑफ, टू और एज। आपने समझदारी के साथ जो है वो इसमें से ऑफ को आपने हल्का सा टिक लगाना है ऊपर, और जो खाली जगह छोड़ी हुई होगी उसमें आपने ये ओ एफ ऑफ जो है वो ब्लाइंड के बाद लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें अगला है जी, आई ऑफर्ड एन अपोलॉजी डैश माई कंडक्ट, ठीक है, माजरत पेश करना, तो अपोलॉजी के साथ हमेशा फॉर आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी चार ऑप्शंस दी हुई हैं, ऑफ, टू, फॉर और अबाउट, तो आपने यहाँ पर फॉर लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से अब इसमें जो है वो तीन आपको सेंटेंसेस और दिए गए जाएंगे, और टोटल ये पांच नंबर, पांच जो है वो जुमलों पे मुश्तमिल आपका प्रेपोजिशन वाला आपका पार्ट होगा, तो ये पांच नंबर पर मुश्तमिल होगा, ठीक है बच्चों। तो अब तक आपके पांच नंबर एक, चार एक, तीन एक और तीन एक, ये पोर्शंस जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हुए हैं, ठीक है। यानी 15 नंबर जो हैं वो आपके इस वक्त तक कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन का ही ई पोर्शन आपको दिया जाएगा। अगेन आपको चार ऑप्शंस दी जाएंगी जिसमें आपने बच्चों इसको करेक्ट करना होगा, करेक्शन कही जा रही है। अब करेक्शन के लिए आपको बच्चों बेसिक ग्रामर जितनी भी है वो आपको सारी आनी चाहिए, जिसमें आपके 12 टेंसेस जो अभी रिसेंटली आपके रिवाइज हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके जो है वो यही प्रपोजिशंस, आपके फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सब आपकी बुक में मौजूद है। ये जो भी आपकी ग्रामर की बुक्स होंगी, जस्ट आपको गो थ्रू करना होगा, और ये मैं इंशाल्लाह आपको गो थ्रू भी करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। प्रपोजिशंस हैं इसमें, आपने जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं जिसमें आर्टिकल्स होते हैं, नाउन्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, ठीक है, प्रपोजिशंस, ये सब आपको जो है वो बच्चों एक दफ़ा इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा, तभी आप इस करेक्शन को ईजिली कर सकेंगे। तो इसमें भी आपको जो है बच्चों, ये आपका पाँच नंबर का सवाल होगा, इसमें आपको एक जुमला दिया जाएगा गलत, तो उसके बाद चार ऑप्शंस दी जाएंगी जिनमें से जो सही ऑप्शन है आपने उसको सिर्फ टिक करना होगा, ठीक है। फोर ऑप्शंस ए बी सी एंड डी आर गिवन एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस, ओनली वन ऑफ दैम इज़ करेक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू टिक ऑफ द राइट चॉइस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहा जा रहा है, शी सेड टू मी दैट शी हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, ठीक है। अभी आपका जैसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपने कभी सुना होगा, उस हवाले से ये जुमला है ये, तो इसमें जो है बच्चों आपने क्या करना है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें जो आपका एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है जो कॉमास से पहले लिखी हुई होती है, और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। ये तो खैर इसको जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको बना कर दिया हुआ है जुमला, तो लेकिन असूल क्या होता है इनको चेंज करने का, कि जो आपका पास्ट सिंपल जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है जब वो चेंज होती है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होती है। अगला जुमले को आपको पास्ट परफेक्ट के रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं उसमें, ठीक है। तो शी सेड टू मी दैट शी हैज़ ऑलवेज हेल्प मी गलत है। अब हम इन चारों को वन बाय वन पढ़ते हैं, देखते हैं में कौन सा हमें जो है वो सही लगेगा रूल्स के मुताबिक। शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ ऑलवेज हेल्प मी, ये भी गलत है। शी टोल्ड मी दैट शी ऑलवेज हेल्प्ड मी, ये भी गलत है। She told me that she had always helped me. अब ये जुमला आपका रूल्स के मुताबिक सही है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में हो तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो आपको पास्ट परफेक्ट में ले जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड ऑलवेज हेल्प की सूरत में मौजूद है, तो ये सी पार्ट जो है वो करेक्टेड फॉर्म में है, और डी जो है वो शी टोल्ड मी दैट शी हैज़ ऑलवेज बीन हेल्पिंग मी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। तो यानी ये भी आपको बहुत सोच समझ के आपने यहाँ पे इनको टिक करने हैं। इसी तरह से ये बच्चों, ये आपको पांच जुमले दिए गए हैं, पांच नंबरों पे मुश्तमिल है ये, और इसी तरह चार चार चॉइसेस हैं इनकी। ये आपको बच्चों बहुत ध्यान से, अगर आपने नंबर अपने जो हैं वो गेन करने हैं, तो ये आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, ठीक है बच्चों। तो इसको आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, और मैं इंशाल्लाह आपको कल जो है आपके फर्स्ट चैप्टर का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है वो मैं इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे इसे, अपना जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिलेबस आपका, ठीक है बच्चों, और ईडीएम्स भी
उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ साथ याद कर रहे होंगे। कल तक मेरा ख्याल है कि हमने शायद 80 ईडियम्स हम कल कर चुके थे, तो अगले ईडियम्स में आपको अब 81 से लेके और 85 तक मैं आपको आपके ईडियम्स बता देती हूँ आज के लिए, वो आपने याद करने हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह चैप्टर वाइज जो है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन साथ साथ रिवाइज करेंगे। हमारे 6 चैप्टर्स हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाकी सारे आपको तफसील से बता दूँ, ठीक है। तो 81 आपको ऑब्जेक्ट जो ईडियम है बच्चों, वो है बरी द हैचेट। इसको आप कहते हैं, एक छोटी खिलाड़ी होती है ये, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि बरी द हैचेट में आप जुमला बना सकते हैं, यू फॉट बैडली नाउ बरी द हैचेट, कि अब आप अपनी दबा दें लड़ाई को, किसी तरह से ख़त्म कर दें, आप दोस्त बन जाएं, ठीक है। यानी बाय ऑल मीन्स कहते हैं बच्चों, यकीनन हर तरीके से, ठीक है। और बाय एंड लार्ज कहते हैं मजमू तौर पर, और बाय डिंट ऑफ कहते हैं के सबब, किसी वजह से, मेहनत के सबब या किसी भी सबब आपको कामयाबी मिली है कोई, ठीक है। और 85 है बच्चों आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठहर ठहर कर बड़ी बेकायदगी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई ठीक नहीं करते, फिट्स एंड स्टार्ट के साथ करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा तो बड़े लंबे लंबे वक्फे दे दिए, तो उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आएगा ना फिर, ठीक है। तो ये आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ये, ताकि आप लोग गौर से सुन लें। बरी द हैचेट, बाय ऑल मीन्स, बाय एंड लार्ज, बाय डेंट ऑफ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।